भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया था। गंभीर के पदभार संभालने से पहले ही बोर्ड ने उन्हें झटका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर ने फील्डिंग कोच के लिए जोंटी रोड्स का नाम प्रस्तावित किया था, जिसे बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया था। रोड्स दुनिया के बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं, लेकिन बीसीसीआई का मानना है कि सहायक स्टाफ भारतीय ही होना चाहिए। गौतम गंभीर के अगर क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो वो 2003 में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और 2016 तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे थे। वो 2011 के विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, साथ ही आईपीएल में कोलकाता टीम के बतौर कप्तानी की कमान संभाल चुके हैं। गंभीर 2019 से 2024 तक भाजपा से पूर्वी दिल्ली के सांसद भी रह चुके हैं, हालांकि अब वो राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। गंभीर से पहले आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जॉइंट्स के साथ काम कर चुके हैं। गंभीर इस टीम के मेंटोर रह चुके हैं, हालांकि बीसीसीआई सहायक स्टाफ किसी भारतीय को ही रखना चाहती है। ये परंपरा पिछले 7 साल से जारी है और फिलहाल बोर्ड इसमें कोई बदलाव नहीं चाहता। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई सहायक स्टाफ के लिए किसी विदेशी को नहीं लेने की नीति पर ही चलना चाहता है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही सहायक स्टाफ की सेवाएं भी खत्म हो गई हैं। इनमें बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर, गेंदबाजी कोच पारस मराबे, फील्डिंग कोच टी दिलीप शामिल हैं। इन सभी का कार्यकाल T20 विश्व कप फाइनल के बाद खत्म हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जोंटी रॉड्स की तरह ही गंभीर ने गेंदबाजी कोच के लिए विनय कुमार के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन बीसीसीआई ने इसका समर्थन नहीं किया। इस बीच ये भी खबर आई है कि गंभीर नीदरलैंड के पूर्व खिलाड़ी रियान टेन डस्काटे को सहायक स्टाफ में शामिल करना चाहते हैं। डस्काटे कोलकाता नाइट्स राइडर के फील्डिंग कोच रह चुके हैं और कई अन्य लीग का भी हिस्सा रहे हैं। गंभीर के प्रस्ताव ठुकराए जाने की खबरों के बीच क्रिकेट समुदाय में इस बात को लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है कि सहायक स्टाफ को लेकर बीसीसीआई क्या अंतिम फैसला लेगा। इस दौड़ में कई पूर्व खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन अब तक आधिकारिक रूप से कोई भी नाम सामने नहीं आया है। बता दें कि गंभीर इस महीने के अंत तक में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज से टीम इंडिया से जुड़ेंगे।